हरियाणा में कोरोना महामारी के चलते बंद हुए स्कूलों को खुलवाने का मुद्दा गर्म है और प्रदेश में आए दिन प्रदेश सरकार पर स्कूल खुलवाने को लेकर समाज सेवी संस्थाएं और निजी स्कूल संचालक दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। तस्वीरें जिंदगी है जहां स्कूल खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने नगराधीश अमित कुमार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल संघ के जिला प्रधान पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को खोलने की मांग की है। सभी स्कूल 1 जनवरी से बंद है, बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है और बोर्ड की परीक्षाएं भी सिर पर हैं। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को सिटी मजिस्ट्रेट जींद के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है कि जो 1 महीना से 1 तारीख से जो स्कूल बंद है इनका कोई औचित्य नहीं है। जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के फौरन बाद सरकार ने कहना शुरू कर दिया 1 महीने में तीसरी लहर, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में, और ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित स्कूल बंद अब चाहे वो यूपी का चुनाव हो, पंजाब का, शिक्षाविदों ने और वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने पहले भी कहा था, इस पर संशय किया था कि जब भी चुनाव आएंगे तब ये संक्रमण का डराव भय दिखाकर स्कूलों को बंद करने की कोशिश करेंगे। और एक वीडियो भी अभी राजस्थान की आपने देखी हो, वायरल हुई थी कि जब भी भय करना हो कोरोना का लोगों में तो आप स्कूलों को बंद कर दीजिए, तो ये औचित्य नहीं है। बच्चों की शिक्षा बहुत ख़राब हो रही है और बच्चा किसी भी देश का तो राष्ट्र का जो अगला निर्माण है वो बच्चे हैं, भविष्य है किसी भी राष्ट्र के। तो अगर किसी भी राष्ट्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये राष्ट्र निर्माता अध्यापक सड़कों पर है आज, और जो देश का भविष्य है, जो नौजवान युवा हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उसको शिक्षा से वंचित करने की एक साजिश है। तो मैं सरकार से निवेदन भी करता हूं और ज्ञापन के माध्यम से हम चेतावनी भी देते हैं कि 27 तारीख तक यदि सरकार ने स्कूल नहीं खोले तो प्राइवेट संस्थाएं और गवर्नमेंट स्कूल भी, टीचर्स जो है वो भी बोल रहे हैं, और हमारा खाप पंचायतें, अभिभावक सभी इसमें सहयोग करेंगे, 28 तारीख से हम स्कूल खोल देंगे। सर, अनिल विज का बयान है, मतलब यदि पति है। नहीं नहीं सर, हम उसमें सहमत हैं, कोई बात नहीं। सरकार का जो काम है लीगल, जो हमें लगता है कि 9 to 12 15 साल प्लस बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं और हमने लगभग 60% बच्चों को बुलाकर वैक्सीनेशन कर भी दिया है, परंतु 100% बच्चों को अगर सरकार वैक्सीनेशन करने की नियत है, सच में सरकार चाहती है कि 100% बच्चों को 15+ वैक्सीनेशन हो, तो मैं कहता हूँ स्कूल खोल दीजिए, स्कूल में बच्चे आएंगे, हम वैक्सीनेशन के बाद उनको स्कूल में अनुमति देंगे। तो सर, आप किसको आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को, सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। आपकी मांग पर खरा नहीं उतरता प्रशासन आपका? बिल्कुल, हमने कहा है कि यदि हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया सरकार ने, हमने निवेदन किया है सरकार से हाथ जोड़कर कि बच्चों की शिक्षा देने का अधिकार और लेने का अधिकार है, जब बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है तो उनको अधिकार से वंचित न रखा जाए, उनके अधिकारों को हनन न हो, तो हम ये कहा है कि हमारे साथ अभिभावक संघ भी हमारे साथ आ गया इस मामले में, अभिभावक भी चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, और जो सीनियर बच्चे हैं, बच्चे जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, वो विद्यार्थी भी हमारे साथ हैं, बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। और हम पहले ही चेतावनी भी दे सकते हैं, खापों ने तो पंचायत खाप पंचायतों ने तो पहले ही चेतावनी दे दी कि 27 तारीख तक सरकार नहीं मानती, 28 को हम स्कूल खोल देंगे। तो सर, स्कूल खोलने के बाद यदि किसी तरह का कार्रवाई रहती है प्रशासन द्वारा? देखिए, प्रशासन ठीक है कि कोई कार्रवाई अगर सरकार की तरफ से रहती है, परंतु देखिए, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, कोई अवैध हथियार का कोई कारोबार थोड़ा है, कोई शराब थोड़े बेच रहे हैं, शराब के ठेके तो खुले हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अगर हमें गिरफ्तार भी करती है, सरकार के पास क्या जवाब होगा कि ये शिक्षा दे रहे थे इसलिए गिरफ्तार किए गए? एक नेक काम करने वालों को गिरफ्तार करेगी सरकार क्या? तो सर, कौन कौन से स्कूल से? अभी पूरे हमारे जींद के सभी स्कूल संचालक साथी आए हैं, सर्दी का मौसम तो हमने सबको नहीं बुलाया क्योंकि आज ज्ञापन ही सौंपना था, तो सभी साथी तैयार हैं उसके लिए अगर आंदोलन करना पड़ा तो। आज जींद प्राइवेट स्कूल संघ और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की जो इकाई है हमारी, उसने आज ज्ञापन सौंपा है। वैसा है, 1 तारीख से हमारे स्कूल बंद हैं, कोरोना के लिए सरकार ने प्रोटोकॉल नाते से उसको माध्यम बना के बंद किए हैं। 1 महीने से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, पिछली बार भी पूरा साल खराब हो चुका है और बच्चे घरों में रह के मोबाइल के आदि हो गए हैं, और ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो केवल ठीक है, उनको काम में लगाए रखो, होमवर्क देते रहो, करते रहेंगे, सही मायने में एजुकेशन तभी मिले जब स्कूल खुलेंगे, जब सारे संस्थान गवर्नमेंट के संस्थान हैं, सारी चीज़ें खुली हैं, केवल प्राइवेट स्कूलों को बंद क्यों किया गया है? हमारी सरकार से डिमांड है कि प्राइवेट स्कूलों को 28 जनवरी के बाद खोल दिया जाए। बता दें कि शिक्षा बचाओ स्कूल खोलो अभियान के तहत स्कूल खुलवाने के लिए निजी स्कूल संचालक सुबह 11 बजे लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए और ज्ञापन के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए सरकार को स्कूल खोलने की मांग की गई। निजी स्कूल संघ के सदस्यों का कहना है कि हरियाणा सरकार को भी कोरोना के गाइडलाइंस के तहत स्कूल खोलने के आदेश देने चाहिए।
घर में रहते हुए बच्चे मोबाइल का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। जब तक सरकार स्कूल नहीं खोलती तब तक 100% वैक्सीनेशन होना भी संभव नहीं है। अभिभावक मंच भी स्कूल खोलने की मांग पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी के बाद सभी स्कूल खोले जाएं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। अब सरकार पर इन निजी स्कूल संघ के ज्ञापनों का असर कितना होता है और सरकार स्कूल खुलवाने को लेकर क्या फैसला करती है, ये तो 27 जनवरी के बाद ही तय हो पाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नियमों को चलते प्रदेश सरकार ने 27 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद किया हुआ है। जिंद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।